क्योंकि आयत नंबर 12 से लेकर खत्म सूरह सजदा तक कुल 3 का उनवान यह था कि अल्लाह ने तुम पर मलकुल मौत को सुपुर्द कर दिया है और वो रोजाना तुमसे मुलाकात करते हैं, जब वक्त आएगा तो तुमको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना पड़ेगा। अब उस मौके पर मुजरिम का हाल क्या होगा, यहां से उसके आवाज शुरू होते हैं, वलव तरा, और अगर आप देख लें, तरा फिरे मुस्तकबिल के लिए है, हरफ लव तमन्ना के लिए है, काश के उस वक्त को आप अब देख लेते तो आपकी गफलत दूर हो जाती, उस वक्त का जो मंजर होगा अगर आप अब देख लेते तो आपकी जो गफलत और बेहसी है ये खत्म हो जाती। ये है इस मानों में वलव तरा, और अगर आप देख लें, इदिल मुजरिमूना, जबकि मुजरिम लोग, ना किसू रुऊसिहिम, अपने सरों को झुकाए होंगे, नकसा कहते हैं औंधा होना, ना किसू इसमें फाइल है, रुऊस रासों की जमा है, अपने अपने सरों को झुकाए हुए होंगे, इंदा बिहिम अपने रब के सामने, नदामत शर्मिंदगी अफसरदगी हसरत और इस हमेशा के अजाब को देखकर खौफ जदा होकर अपने सरों को अपने रब के सामने झुकाए हुए होंगे, सारे मुजरिम इस हाल में अगर आज आप देख लेते तो आपकी गफलत दूर हो जाती। और मुजरिम उस वक्त क्या कहेंगे जबान से और अपने हाल से, जबान हाल उनकी हालत से ऐसा लगेगा कि गोया वो अल्लाह से युकार है, रब्बना अबसरना व समिअना फरजअना नअमल सालिहा इन्ना मुकिनून, अय हमारे परवरदिगार हमने देख लिया, अबसरना हमने खूब देख लिया, हमारी आंखों ने वो मंजर देख लिया जो ईमान बिल गैब था, मुशाहदे में आ गया, वह समिअना और हमने सुन लिया बराह रास्त फरिश्तों का खिताब सुन लिया, फरजअना हमको लौटा दीजिए, नअमल सालिहा करेंगे हम उमदा सालिह काम, इन्ना मुकिनून अब हम बेशक यकीन करने वाले। लेकिन वहां से किसी को वापस आने का मौका नहीं दिया जाएगा, जिसका तस्करा सूरह मोमिनून पर 18 में तफसील से आ चुका है। वलौ शिना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, अल्लाह फरमाते हैं कि हमारी मशीयत से कोई चीज मावरा नहीं है, हर चीज मशीयत यजदी के मातहत, वलौ शिना अगर हम चाहते, लआतैना तो हम जरूर दे देते, कुल्ला नफ्सिन हर हर नफ्स को, हुदाहा उसकी हिदायत, वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लेकिन बात हक साबित हो चुकी है मेरी तरफ से, और वो बात यह है, लअमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, कि मैं जरूर भर दूंगा जहन्नम को जिन्नातों से और इंसानों से, अजमईन इकट्ठा, ये मैंने बात कह दिया है, उस जहन्नम को बहरहाल जिन्नातों से और इंसानों से भरना है, ये मेरा कौल है, ये पूरा होकर रहेगा। अल्लाह की मशीयत किसी के ताबे नहीं है, अल्लाह ने ऐसा क्यों चाहा है इसे कोई सवाल नहीं कर सकता, ला युसअलु अम्मा यफअल, वो जो करता है उसे कोई सवाल नहीं कर सकता। जिस तरह आप अपनी ममलूका अशिया में हर तरह मालिक हैं, तसर्रुफ का हक रखते हैं, जबकि आप मालिक मजाजी हैं, तो जो हकीकी मालिक है जिसने अदम से वजूद बख्शा है, वो अपनी ममलूका शय में जो चाहे वो क्यों नहीं कर सके, इसलिए अल्लाह की मशीयत है, इसलिए अल्लाह की मशीयत को तलब करना चाहिए। अल्लाह ने मकाम पे कहा, वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, तो तुम अल्लाह की मशीयत को हासिल करने के लिए अल्लाह को राजी करो। अब उस मौके पर मुजरिम से कहा जाएगा, फज़ूकू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हादा, चखो, ज़ूकू ज़ूक वाहिद है, ज़ूकू लिमा चखो, ज़ायका उर्दू में इसे इस्तेमाल होता है, ज़ायका, ज़ायका ज़बान से चखना है, लेकिन ये जो चखना है ये अज़ाब है, ये जिस्म का एक एक पोर सर से पांव तक हर जुज़ चखेगा, ये ज़ायका ज़बान से चखने का नहीं है, ये ज़ायका अज़ाब है, जिस्म चखेगा, फज़ूकू चखो, मज़ा चखो, उर्दू में मज़ा चखना ये भी ज़बान से नहीं होता, मैं तुम्हें मज़ा चखा दूंगा तो ये ज़बान से नहीं होता बल्कि ये जिस्म से होता है, तो यहां भी ज़ायका मुराद जिस्म से चखना है, क्यों, बिमा नसीतुम, इस वजह से जो तुमने भुलाया, निस्यान हुआ, भूल चूक हुई नहीं, तुमने भुलाया, फरामोश कर दिया, तुमने जानबूझ के अपने इस दिन की मुलाकात का इनकार किया, लिका यौमिकुम हाजा, यौम के माने दिन और लिका माने मुलाकात, तुमने आज के दिन की मुलाकात से खुद को फरामोश कर लिया, तुमको याद नहीं आया, तुम्हारे इस दिन की मुलाकात के फरामोश कर देने की पादाश में तुमको आज तुमको चखना पड़ेगा, फज़ूकू बिमा नसीतुम, तुमने भुला दिया, इस वजह तुमको चखना है, इन्ना नसीना को, तुमको हमने भुला दिया। अल्लाह फरमाते हैं, तुमने हमारी मुलाकात को भुला दिया तो हमने तुमको भुला दिया, तुम मेरे बंदे हो, तुम्हारे वास्ते नेमत है, दस्तरखान है, मैं तुम्हें क्यों याद रखूं, तुमको मैंने भुला दिया। ये हमारे पास दोस्तों में भी इस्तेमाल होता है, तुमने हमको भुलाया, हमने तुमको भुलाया, तो यहां का मसला है रब और मरबूब का, खालिक मखलूक का, मालिक ममलूक का, यहां भुलाया गया तो क्या तर्जुमा, तुमने हमसे मुलाकात को भुला दिया तो हमने तुम्हारी भुला दिया, इन्ना नसीनाकुम, हमने तुमको फरामोश कर दिया, वज़ूकू अज़ाबल खुल्द, अब चखो हमेशा की काज़ा, एक दिन दो दिन सात दो साल पचास साल हजार साल नहीं, अज़ाबल खुल्द, खुल्द माने दवाम, हमेशा की जावेदगी, कभी भी इसके अंदर से तुम्हें एक दिन की तकलीफ नहीं होगी, कभी कभी उकताहट में कहेंगे युखफ्फिफ अन्ना यौमा मिनल अज़ाब, एक दिन तो अज़ाब में कमी कर दो, सूरह मोमिन 24 में उनका ये इस्तेआज़ा नक़ल किया है अल्लाह ने, एक दिन तो अज़ाब में तकलीफ कर दो, लोग दुनिया में काम करते हैं, हफ्ते में छुट्टी मनाते हैं, क्यों, थकान दूर करना है, यहां तो अजाब भुगतना है, फिर मुतमसलसल ला मुतनाही, इसमें कोई वक्फा नहीं है और कोई तस्हील और नरमी नहीं है, क्यों, बिमा कुंतुम तअमलून, जो तुम किया करते थे, तुम्हारी दुनिया में जो कुछ होता था उसकी पादाश में तुमको आज हमेशा का अजाब चखना है। इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरु बिहा खर्रू सुज्जदा, हमारी आयतों का यकीन तो उनको था, ज़बान से यकीन नहीं चलता, देखो यहां वाज़ेह किया अल्लाह ने, यकीन था तो उस यकीन के लिए अलामत क्या थी, मैं कहा करता हूं जमीन में दरख्त लग गया है तो उसकी अलामत क्या है, कि पत्ते हरे भरे हैं, डालियां तरोताजा हैं, फूल और फल लग रहा है, और अगर डालियां हरी भरी नहीं है, सूखी हैं, तो दर जमीन लेगा, यहां भी उसी को फरमाया रब्बे करीम ने, इन्नमा युमिनु बिआयातिना, इसके सिवा और कुछ नहीं, कि हमारी आयतों पर यकीन लाते हैं वही लोग, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरु बिहा, कि जब अल्लाह की याद दिलाई जाती है उनको, खर्रू तो गिर पड़ते हैं, सुज्जदन सजदा करते हुए, वह सब्बहू बिहम्द रब्बी, और तस्बीह करते हुए अपने रब के हम्द की, वह हम ला यस्तकबिरून, और वो जमीन में तकब्बुर नहीं करते, अपने अना को नहीं सामने लाते, बल्कि अल्लाह की याद आते ही उसके लिए सजदे में गिर जाते, उसका हुक्म आते ही इताअत में लग जाते, उसकी मशीयत मालूम होते ही राजी करने में फिक्रमंद हो जाते, वह हम ला यस्तकबिरून, तकब्बुर नहीं करते,
इस आयत पर सजदा वाजिब है, आप लोग बाद में कर लीजिएगा। सजदे तिलावत वाजिब है, उसमें से एक जगह भी है। उनकी कुछ पहचान और भी है, एक तो आयतें सुनकर सजदे में गिरते हैं और आगे अलग रहते हैं, तजाफा जुदा रहते हैं, अलहदा रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। जुनूब हम जंबुन की जमा है, उनके पहलू अनिल मजाजा की जमा है, लेटने की जगह ख्वाबगाह हैं, आराम के बिस्तर है, तकिया है, राहत है, हर चीज है, लेकिन उस बिस्तर पर लेटने के बजाय उनके पहलू बिस्तर से अलग थलग पड़े रहते हैं। क्या करते हैं ये उस वक्त? ये देखो रब, अपने रब को पुकारते रहते हैं, कोई सुभान अल्लाह कहता है, कोई अस्तगफुरुल्लाह कहता है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, मुख्तलिफ अल्लाह के नामों से याद करते हुए बैठ रहते हैं रात में बिस्तर पर, जब सबके लोग सब काफिर अपने बिस्तरों पर पड़े रहते हैं, उनके बिस्तर के वजूद से बोझल रहते हैं, ये अल्लाह के बंदे बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की याद में लगे रहते हैं। क्यों? खौफ व तमा, खौफ और तमा, शौक और खौफ दो ही चीज है, उम्मीद और भीम। खौफ से मुराद जहन्नम का खौफ और तमा से मुराद उम्मीद जन्नत की तरफ में, जहन्नम की फिक्र में, कहीं ऐसा ना हो जहन्नम में डाल दिया जाऊं, इस फिक्र में अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते हैं, और तमा जन्नत की उम्मीद में हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ताकि नेमतों में इजाफा होता रहे, यहां तक कि असल दस्तरखान मिल जाए। तो खौफ व तमा वो भी मार रखना हम यूनफिकून, और ये देखो इन्फाक करते हैं, जो कुछ हमने उनको बतौर रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करते रहते हैं, किसकी मिकदार नहीं, जो कुछ हमने दिया। यहां तक के हदीस में आया कि बंदा अल्लाह का दिया हुआ जो कुछ पाए उससे जहन्नम को आड़ बनाए, इतना हुजूर का आधा टुकड़ा भी खैरात करने के काबिल बनाया है अल्लाह ने, तो वो भी कम से कम खैरात करे ताकि जहन्नम से बचा सके। तो जहन्नम की आग कैसे बचेगा इंसान? सदका से। सदका क्या करता है? गज़ब-ए खुदावंदी को ठंडा करता है। आग कैसे बुझाएंगे आप? आग पर पेट्रोल नहीं, पानी डालते हैं, बुझ जाता है। अल्लाह का गज़ब जो बंदे के खिलाफ होता है नाफरमानी की बिना पर, उसे ठंडा करना है, क्या करेंगे? फरमाया अस-सदक़तु तुतफ़िउ ग़ज़ब अर-रब, रब का गज़ब ठंडा हो जाता है, बुझ जाता है सदका देने की बिना पर। सदका देने की ताकत नहीं है तो सहाबा मजदूरी करते थे, दिन भर में 3.5 सेर जौ कमाते थे, एक मुद उसमें से आधा खर्च करते थे और आधा अपने कारने के वास्ते इस्तेमाल करते थे, कल के वास्ते नहीं रखते थे। ये क्यों? क्योंकि उनको फिक्र थी और इनफाक के फजाइल उनको मालूम थे, और जब वो खर्चा करते थे नबी की जनाब में पेश करते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुआ देते थे और उस दुआ से उनको बहुत तसल्ली होती थी। कुरान ने कहा है नबी जब ये खर्चा करें तो आप उनको दुआ दे दो, आपका दुआ देना उनकी दिलजोई के लिए और उनकी तसल्ली के लिए बहुत बड़ा मलहम मरहम है। इन सलातक सकनुल लहम, ये बात सूरह तौबा में आ चुकी है। अल्लाह फरमाते हैं कि देखो जो नींद छोड़ के आंखें खोल के रो रहा है, सारी कायनात आंखों में खुमार लेकर सो रही है, तो हमें कुछ तो लिहाज करना है इस बंदे के लिए, हमने क्या इंतजाम किया? कोई नफ्स जानता ही नहीं कि जो छुपा के रखा है मैंने उनके लिए आंखों की ठंडक जैसा बदला के तौर पर बीमा का अमल वो करते हैं, रात में जगना हो या इन्फाक करना हो या अल्लाह के नाम पे सजदा करना हो, ये तमाम के तमाम तवाज़ो के जो काम है इसके बदले जो मैंने इंतजाम किया है किसी नफ्स को नहीं मालूम। जानते नहीं दुनिया में कितने इंसान है, क्या क्या जानते हैं, कितनी नेमतें खाते हैं, लेकिन वो नेमतें ये सारे इंसान में से कोई इंसान मिलकर सब मिलकर भी जानते भी नहीं है। खाना चखना सोना बहुत की बात, कैसी नेमत होगी जिसको अल्लाह ने इंतजाम किया? इसका तर्जमा किया हदीस में आता है, मैंने तैयार किया है जन्नत दस्तरखान, माला आइन रात किसी आंखें देखा नहीं, वाला उधन समियात किसी कान में सुना नहीं, वाला खतरा आला कल भी बशर, और किसी बशर के दिल में उन नेमतों का ख्याल भी नहीं मिला। मैंने वो इंतजाम किया, कैसा इंतजाम किया होगा अल्लाह? मिन खुलत आयुन, आंखों की ठंडक, आंखें जिन चीजों को देखकर सुरूर और लज्जत और फरहत पाती हैं हमने उसका इंतजाम किया है। जजा अंबी मकाम यामरू, ये उनके करतूत का बदला है, उनके किए हुआ इनाम है। यहां से लोग कहते हैं जन्नत आमाल की जजा है, लेकिन दरहकीकत आमाल भी और आमाल की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से इनाम है। हर बंदे को तौफीक क्यों नहीं होती? अभी ऊपर सुन चुके हैं, अगर हम चाहते तो हर बंदे को हिदायत दे देते, हर बंदे को हिदायत ना मिलना गया मशीयत के मातहत नहीं हो सकता। तो मशीयत हुई तो तौफीक खुदावंदी से बंदा आमाल के करीब हो गया, तो आमाल का बदला जन्नत है, लेकिन वो आमाल तो मशीयत के मातहत है, और मशीयत का मतलब अल्लाह की चाहत, जिस बंदे को चाहेंगे मिलेगा, अल्लाह ताला की चाहत को हासिल करना। इसी वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अल्लाह को मांगा है, हम तुझसे तुमको ही मांगते हैं, तुझसे तुझको ही मांगते हैं, कोई और शय नहीं। हाँ, खुदाया खुदाया अस्तु इश्क मुस्तफ़ा मोहम्मद अस्तु मी खाम खुदाया खुदाया अस्तु इश्क मुस्तफ़ा शेख हिंद लेते हैं, अय खुदा तुझसे हम इश्क मुस्तफ़ा चाहते हैं और अय मुस्तफ़ा तुमसे हम खुदा को चाहते हैं। यानी अल्लाह ताला की मशीयत को इन दो रास्तों से इंसान हासिल कर सकता है, नबी करीम सल्लम की सुन्नतों से प्यार करके अल्लाह की मशीयत को कामयाबी से पा सकता है। अल्लाह फरमाते हैं क्या समझते हो कि तुम दोनों बराबर हैं मेरे पास? एक मानकर आएगा, एक ना मानकर, एक मन माने करके आएगा और एक अल्लाह की बात पूरी करके आएगा, क्या दोनों बराबर रहेंगे? अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिका, ये सवाल है अल्लाह के पास, क्वेश्चन। सारे इंसान मिल के जवाब दें, भला बताओ तो सही, जो इताअत गुजार है, यकीन करने वाला है, ईमान वाला है, अल्लाह का हुक्म बरदार है, मुसलमान कहते ही उसे को है जो इताअत गुजार, हुक्म बरदार, जो हुक्म बरदार नहीं है वो मुसलमान नसब के अतबार से हो सकता हो, अल्लाह की निगाह में नहीं हो सकता। मुसलमान का तर्जमा क्या है? हुक्म बरदार, जो हुक्म हो बजा लाना, तो जो बजा लाएगा वो मोमिन है और जो नाफरमानी करेगा वो फासिक है, क्या दोनों बराबर है? फरिश्तों ने सजदा किया आदम को और इब्लीस ने इनकार कर दिया, क्या दोनों बराबर है? फरिश्तों को अल्लाह ने कुर्बत अता किया और इनकार करने वाले को कहा तुम मर्दूद है, निकल, फखरुज इन्नका रजीम का, तुम्हारा क्या हुआ? इताअत करने पर रजा मिलती है, बगावत करने पर सजा मिलती है, दोनों बराबर कैसे हो सकते? यहां सवाल किया अल्लाह ने, आके माने क्या? क्वेश्चन है माने तो मन काना मुमिना, जो कि है ईमान वाला, का मन काना फासिका, काफ तस्बीह के लिए है, जैसे कि वो है जो फासिक है, नाफरमान है, दोनों बराबर हैं। यहां पर वो फिलाजिम है, सांस होना जरूरी है, वो फिर गुफान है, ठहर जाओ। अब अल्लाह जवाब देते हैं ला यस्तवून, दोनों बराबर नहीं, तुमको समझ नहीं आता है तो अल्लाह का पैगाम सुन लो कि दोनों बराबर नहीं है, वफादार गद्दार दोनों बराबर नहीं, मुजाहिद और मुजाविर दोनों बराबर नहीं, रब को चाहने वाला और अपनी मन चाही करने वाला दोनों बराबर नहीं, ये बात कर दिया अल्लाह ने, कितना फर्क है? फरमाया फर्क देख लो,
अमल नदी नाम हर लोग जो ईमान लाए अमल सारे किए पर हम जन्नत मावा उनके वास्ते जन्नत है ठिकाने के तौर पर मावा का ठिकाना सदा रहने की जन्नत जिसका नाम है जन्नत मावा। मैं बताया था जन्नत के बहुत सारे नाम है उनमें से एक नाम है जन्नत मावा जिसका जन्नत नाइम है जन्नत अग्न है जन्नत फिरदौस है ऐसे बहुत से नाम जन्नत के हैं। जन्नत के आठ दरवाजे हैं हर दरवाजे पर अलग अलग नाम लिखा हुआ है। एक दरवाजे का नाम है बाबुर रैयान रोजादारी आएगा उसमें से जो रोजा रखता था हमेशा उसके वास्ते लाने के लिए बनाया इस्तकबाल में तुम्हें दस्या तो जन्नत नाइम और जन्नत मावा के माने हमेशा लाने के बाद नुजुलन दस्तरखान के तौर पर नुजुल कहते हैं मेहमानी का दस्तरखान उर्दू में मंजिल बोलते हैं मंजिल माने उतरने की जगह नजील कहते हैं मेहमान को और नुजुल कहते हैं उसके लिए ज़ियारत के दस्तरखान को अल्लाह ने यहाँ उसी को बताया नुजुलन दस्तरखान है ये बिमाकान यामरून की वजह से वो करते रहे उनके तमाम आमाल ईमान और अमल साले की पैदाश में अल्लाह ने दस्तरखान तैयार किया। ये किसका अंजाम है ईमान वाले का इसके मुकाबले फासिक का अंजाम क्या है वह अमल लदीना फसकू और बहरहाल वो लोग इन्होंने फिस्क किया नाफरमानी किया फमावाहुम अन्नार उनका ठिकाना दोज़ख है उनका घर जन्नतुल मावा के बजाय मावाहुम अन्नार उनका ठिकाना आग है वहां मावा जन्नत है यहाँ मावा आग है और नार है। उस आग का हाल यह कुल्लमा अरादू जब जब इरादा करेंगे अन्य खरजों में ना कि उसमें से निकल जाए उईदु फीहा उसी में धकेल दिए जाएंगे लौटा दिए जाएंगे उसी में वकील लहुम और उनसे कहा जाएगा ذوقوا عذاب النار चखो आग का अज़ाब अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून तुम जिसको रिप्लाई करते थे तुम्हें यकीन नहीं था उस यकीन ना होने की बिना पर जिसकी तकज़ीब करते थे अब चखो उसी को। अब ये बात दिमाग में आता है लोगों के कि ये तो बहुत दिन के बाद आएगा तब तक तो ऐश कर लो गुजरे उड़ा लो। अल्लाह फरमाते हैं कि वो तो बड़ा अजाब आएगा ही बहुत ज्यादा सर से ऊंचा हो जाएगा जब पानी तो हम कभी कभी दुनिया में भी पड़ चखाते हैं। फिर उनका अजाब कहां से शुरू हुआ दुनिया से कानून का शुरू कहां से हुआ दुनिया से तो बड़े बड़े जो सुपर ताकतें हैं उनका अजाब दुनिया से शुरू होता है। हाँ अगर इंसान फकत हर रुपये मौकूफ नहीं जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है अल्लाह यहाँ वादा करते हैं वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाब अल-अदना दून अल-अज़ाब अल-अकबर लअल्लहुम यरजिऊन हम ज़रूर बिज़रूर उनको चखाएंगे अज़ाब अदना में से अज़ाब अकबर के अलावा। अज़ाब अकबर बड़ा अज़ाब और अज़ाब अदना छोटा अज़ाब। छोटा अज़ाब कौन सा है जो आखिरत के मुकाबले दुनिया का अज़ाब है। फिरौन पानी में गर्क हो गया छोटा अज़ाब है। कारून ज़मीन में फंस रहा है छोटा अज़ाब है। क़ौम-ए-लूत की बस्ती उलट दी गई छोटा अज़ाब है। क्यों छोटा है आखिरत के मुकाबले में छोटा वरना यहाँ तो कायनात के वास्ते इबरत है पता भी हुआ आग बरसी घर को उलट दिया गया अब क्या बाकी तहस नहस कर दिया जड़ से उखाड़ के फेंक दिया लेकिन आखिरत के अज़ाब के मुकाबले में ये अज़ाब अदना है बहुत हल्का है। तो दुनिया में भी अज़ाब होता है दुनिया में अज़ाब की तीन शक्ल बताया था मैंने। अगर तकलीफ की चीज़ आए मोमिन को हज़ार कोशिशों के बावजूद नेकियों के बावजूद तो वो रफ़े दर्जात के लिए होती है और यही तकलीफ जब किसी काफिर के लिए आती है तो वह अज़ाब अकबर से पहले अज़ाब अदना है ताकि तंबीह हो जाए और शायद लौट के वो आ जाए मौका देने के लिए होती है। अकल ठिकाने लग जाएगी तो शायद सोचे मुझे किसने पैदा किया क्यों पैदा किया मेरा मुस्तकबिल क्या है मैं कहाँ जाना कहाँ जाऊँगा यह लाल ताकि वो लौट के आ जाए मालिक की तरफ। तो अज़ाब अदना से लौटने का मौका मिलता है तो मोमिन का दुनिया में जो तकलीफ होती है रफ़े दर्जात के लिए और काफिर का यह धमाका होता है ताकि वो लौट के आ जाए। अब तीसरे वो लोग हैं जो कुछ कुछ गुनाह भी होता है कुछ कुछ नेकियां भी होती हैं खरतु अमल इंसान है कुछ ये भी कुछ वो भी कुछ अपनी चाहिए कुछ रब चाहिए दुनिया के चला जिंदगी मिला जुला अल्लाह ताला ने उनके वास्ते बयान किया है कि इनको भी हम तकलीफ इस वास्ते देते हैं लअल्लहुम यज़रऊन ताकि ये रोएं ये गिराएं आजिज़ी करें लेकिन इनके दिल इतने सख्त हो गए हैं कि इनका तज़र्रु नहीं पैदा होता वलाकिन कसतु लहुम ये पूरी बात सूरह अनआम में आ चुकी है। तो इस आयत में ऐलान है कि हम चखाएंगे उनको अज़ाब अदना में से अज़ाब अकबर के सिवा यानी दुनिया के अज़ाब में से हम चखाएंगे आखिरत के अज़ाब के अलावा लअल्लहुम यज़रऊन शायद वो लौट के आ जाएं। जुर्म के एतबार से दुनिया वाले समझते हैं कि हमारा कौन सा जुर्म है हमें अज़ाब क्यों। आज कोई भी इंसान अपने ईमान ना लाने को जुर्म समझता ही नहीं हमें क्या गलती है हम क्यों सजा पाएंगे आखिर सोचता नहीं इंसान। आप किसी को कहेंगे कि तुम जहन्नम में रहेंगे हमेशा तो कहेगा आखिर क्यों क्या गलती है हमारी। अल्लाह फरमाते हैं गलती के एतबार से जुल्म के एतबार से इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि रब की आयतें पेश की जाएं और तुम फेलो उसे इससे बड़ा एराज से बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि तुमको जिसने हकीर खतरे से इंसान बनाया उसी का पैगाम तुम्हारे पास आता है तुम फेर लेते हो उसे इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है ये एराज है। वो मन अज़लम मिम्मन ज़ुकिरा और उससे ज्यादा बड़ा ज़ालिम कौन होगा जिसके सामने तज़किरा किया गया भी आयात रब्बी उसके रब की आयतों के जरिए थुम्मा फिर अअरदा अनहा उससे उसने मुंह फेर लिया एराज कर लिया ये बहुत बड़ा जुल्म है। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून बेशक हम हैं मुजरिमों से इंतकाम करने वाले मुंतकिमून इंतकाम से बना है हम इंतकाम लेने वाले हैं मुजरिमों से हम इनको छोड़ने वाले नहीं ये इंतकाम अल्लाह की मशीन पर है और अल्लाह से इंतकाम कई मकाम पे कलाम अल्लाह ने इजहार किया है कि जब जब अल्लाह ताला इंतकाम लेते हैं तो किसी में ताब नहीं है उसके अजाब को बर्दाश्त करने की। इंतकाम हर मुजरिम को चाहिए कि वो सोचे कि किससे मुठभेड़ हो रही है कैसे वो अपने मालिक से मुकाबला कर सकता है जैसे सूरह बकरा के आखिर में कहा है अगर सूद नहीं छोड़ते हो तो अल्लाह से जंग करने पर तैयारी कर लो भला कौन जंग कर सकता है अल्लाह से। ये वार्निंग इस वास्ते है कि तुम्हारा इज्जत इतना शदीद है कि इस हुक्म की तुम मुखालफत करके गोया अल्लाह से जंग का ऐलान कर चुके हो। यहां भी कहा गया है कि जो मुजरिम है फिस्क और फजूर की बिना पर आयतों से इनकार व एराज की बिना पर एक है एराज करना मुंह फेर लेना और एक है इनकार करना भी वही है एराज करना भी वही है एराज करना भी जुर्म है इनकार करना कुफ्र है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी एराज करेगा हम उससे इंतकाम लेंगे यही बात सूरह तौबा में भी आई है आगे फरमाया रब्बे करीम ने वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिर्यतिम मिन लिक़ाई वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल और देखो हमने दिया है मूसा अलैहिस्सलाम को किताब मुराद तौरात है क्योंकि यहूदी किसी भी किताब का इंकार करते थे कुछ नहीं दी गई अल्लाह की तरफ से कोई किताब नहीं आई। उसका जवाब यह है कि हजरत मूसा को किताब आई जहां से तुम्हें उसका इकरार है यही किताब वहां से भी आई है वहां से यह किताब भी निकली है तुम्हें उसका इंकार नहीं करना चाहिए।
तौरात जिस किताब को तुम मानते हो मूसा को दी गई है अल्लाह की तरफ से वहीं से किताब आई है। फला तकुन फी मिर्यति मिन लिकाइही, तो तू शक में मत हो उसके मिलने से। जिस तरह से हजरत मूसा को तौरात मिली है ऐसे ही हुजूर को कुरान मिली है, तुम उसके मिलने में शक मत करो। ये भी मफहूम है, उसके मिलने में तुम शक पैदा मत करो, क्योंकि कुफार और यहूदी ये कुरान करीम के मिन जानिब इलाही होने में शक करते थे, और यही मनवाना मकसूद है। जिस तरह से हमने तौरात को बनाया था जरिया हिदायत, इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए कुरान है जरिया हिदायत। वजअलनाहु हुदा लिबनी इसराइल, और हमने बनाया था तौरात को बनी इसराइल के वास्ते जरिया हिदायत। अब उसमें से कितने लोग हिदायत पर थे और कितने लोग भटक के गुमराह हो गए थे, वो मानने वाले ना मानने वाले तस्लीम हो गए। देखो तफसील है, वजअलना मिनहुम अइमा, और हमने बनाया उसमें से इमाम। अइमा जमा है इमाम की, पेशवा, क़यादत करने वाले, सियादत करने वाले, लीडिंग करने वाले, इस पैगाम को पहुंचाकर रहनुमाई करने वाले, ये अइमा है। क्या करते थे वो? यहदूना बिअम्रिना, वो हिदायत करते थे हमारे हुक्म से। लम्मा सबरू, जबकि उन्होंने सबर किया। ये सब्र किया कि नौबत क्यों आई? फरमाया जब कभी किसी ने पैगाम पहुंचाया तो लोगों ने अजियतें पहुंचाई। इनकार करना भी अजियत पहुंचाना है, और उनकी बात के खिलाफ उल्टी सीधी इश्तियाल अंगेज बातें करना ये भी तकलीफ देना है। इन पर उन्होंने सब्र किया। मालूम यह हुआ किसी कौम की क़यादत के लिए पहली शर्त, सबसे पहली शर्त है सब्र। कायदीन भी इंतकाम लेना चाहते हैं तो कौम पीछे हो जाती है। सबसे पहली शर्त रखा अल्लाह ने लम्मा सबर, जबकि उन्होंने सब्र किया। तो पेशवा के लिए, रहनुमा के लिए बेइंतहा सब्र, बेइंतहा तहम्मुल, जितना सख्त करेगा उतना अल्लाह ताला उसके लिए दर्जात बुलंद करेंगे। और दूसरी शर्त क्या है? वकानू बिआयातिना यूकिनून, और थे हमारी आयतों पर यकीन करने वाले। जितना पुख्ता यकीन होगा उतना अजर के लिए कुव्वत बर्दाश्त बढ़ती रहेगी। किसी भी हादी और कायद और रहनुमा के लिए ये दो शर्तें लाजिम हैं, एक यकीन कामिल और दूसरे सब्र। जितना सब्र होगा, जितना यकीन कामिल होगा, ये अपने मशन में बहुत कामयाब होगा। हर अंबिया में आप देखेंगे यकीन का आला दर्जा। पूरी कौम घबरा गई, लेकिन मूसा कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, आगे दरियाए नील है, पीछे फिरौन है, लेकिन मेरा रब मेरे साथ है। इन चीजों को जो आंखों में नजर आती है इनसे खौफ पैदा नहीं हुआ। पूरी कौम में खौफ क्यों हुआ? यकीन की कमी। मूसा को यकीन था मेरा रब मेरे साथ है, सरहदीन रास्ता बताएगा, ये दरिया क्या है और लश्कर क्या है हमें इसे कोई मतलब नहीं, रब मेरे साथ है, रास्ता बताएगा। चुनांचे रास्ता ऐसा बताया कि पूरी कौम बसलामत चली गई और दुश्मन गर्क हो गए। यकीन की बुनियाद, यकीन ना होता तो वो भी घबरा जाते। तो सियादत और क़यादत, दीनी रहनुमाई के लिए दो शर्तें लाजिम हैं, इसके बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता। एक यकीन, यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातह आलम। इकबाल ने चुका था, इकबाल ने कहा कि तीन चीजें अगर हैं तो फातह आलम है, सारा जहां पता कर लेगा। यकीन मुहकम, यकीन मुहकम, यकीन पुख्ता हो, इसी ऐसे लिया है। वो कानू भी आयातना यूकिनून, हमारी आयतों पर यकीन करते। यकीन का वो दर्जा कि अगर आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, हाथों से छू ले तो भी इजाफा ना हो, इतना यकीन पैदा हो। कानू भी आयातना यूकिनून, इकबाल ने कहा यकीन मुहकम यानी पक्का यकीन, अमल पे हम मुसलसल कोशिश, मोहब्बत फातह आलम। ये मोहब्बत क्या है? सबर, हर एक से प्यार, इंतकाम भूल जाना तो फातह आलम बनता है, सारा जहां इसके पैरों तले आ जाता है। तो कायद की सलाहियत होना चाहिए। आगे फरमाया कि इन तमाम का फैसला, साबिर को सबर का अजर, यकीन करने वाले को यकीन का फायदा, ये सब क़यामत के दिन होगा। इन रब्बा का हुआ जब सीधो बहनों योमल क़ियामा, बेशक आपका रब वही फैसला करेगा उनके दरमियान क़यामत के दिन। उन तमाम मामलात में, फीमा कानू फीही इख्तलिफून, जिस जिसमें इख्तलाफ किया करते थे उन तमाम इख्तलाफी बातों में क़यामत फैसला किया जाएगा। अब यहां से उनकी आंखें खोलने के वास्ते निशानियां सवाल है। क्या सवाल है? इतनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, उन हलाक शुदा बस्तियों के घरों में ये लोग चलते फिरते आंखों से देखते हैं, क्या इनके दिल में सुझाव पैदा नहीं हो रहा? वे नहीं मजमून सुरे कहा में आ चुका अब अलम यहाँ दिन कम हलकना, यहाँ है मिन कबल, वहां है कबल हम मिन अलकुरून यमशू नफी मसाकिनहिम, बेनी भाई लफ्ज एक लफ्ज का फर्क है, यहाँ मिन कबल है, वहां कबल हम पहले। यानी क्या उनको सुझाई नहीं देता? क्या उनकी आंखें खोलने को यह वाकया काफी नहीं है? कितनी बस्तियां हमने हलाक कर दी हैं इनसे पहले, यमशू नफी मसाकिनहिम, उन्हीं के मस्कन में, उन्हीं के घरों में, उन्हीं के रिहाइश गाहों में चलते फिरते हैं, क्या सोचते हैं कि यहाँ के मक्की कहां चले गए, यहां रहने वाले कहां गए, किसने बुलाया, किसके पास पहुंचे हैं? ये सब उनको यकीन करने के वास्ते काफी। अब अलम क्या नहीं है यह दिन हम उनको हिदायत नहीं है? कम हलकना, हमने कितनी हलाक कर दी मिन कबल हम उनसे पहले, मिन अलकुरून बस्तियां और जमातें और उम्मतें, यमशूना के वो चलते फिरते हैं, फी मसाकिनहिम मस्कन की जमा है उनके घरों में, इन फी ज़ालिका लआयात बेशक इसमें निशानियां हैं, अफला यस्मऊन क्या वो लोग सुनते नहीं? समाअत से ताल्लुक है, यानी खुद तो देखा नहीं जो बस्ती हलाक हो गई, देखा था अगर होते खुद मर जाते, लेकिन उन बस्तियों की हलाकत को देखते नहीं तो क्या करते? सुनते, सुनते हुए आ रहे हैं। तो हमें आग तबाह हुई सुनते आ रहे हैं, फिरौन गर्क हुआ सुनते आ रहे हैं, फना खौफ फना आज़ाब सुनते आ रहे हैं, तो क्या इन तबाहियों के हालात को सुनते नहीं है या सुनकर अनसुनी कर दे रहे हैं? चलो ठीक है, तुम्हें आंखों से मुशाहिदा चाहिए, आंखों पर यकीन लाते हो तो तुम्हारे यकीन के वास्ते काफी है। अवलम यरौ अन्ना नसूकुल माअ इलल अर्दिल जुरुज़ फनुख्रिजु बिही ज़रअन, क्या वो लोग देखते नहीं, क्या उनकी आंखों से नजर नहीं आता? अन्ना के बेशक हमने नसूकुल माअ खींच कर लाते हैं पानी, इलल अर्दिल जुरुज़ खुश्क जमीन की तरफ, जुरुज़ के माने जमीन खुश्क पड़ी हुई है, कहां से लाते पानी खींचकर? कभी नीचे से लाते, कभी ऊपर से बरसाते, कभी जमीन के अंदर से जो सोते हैं उनको इधर खींच के लाते, हरी भरी जमीन हो जाती, तरोताजा हो जाती। ये खुश्क जमीन को जो मुर्दा की तरह पड़ी हुई थी, इनको हम ऐसी तरोताजा करते हैं कि पूरी जमीन लालाती है। पनुख जो भी जरान हम निकालते हैं उससे खेती, और खेती मोहमल और बेकार नहीं, तकुलु मिनहु अनामहुम व अनफुसुहुम, जब खाते हैं वो उस खेती से उनके चौपाए, अनाम नियाम की जमा है, उनके चौपाए में खाते हैं, वह अनफुसुहुम उनकी जात भी खुद खाती है, गोया उनकी भी हयात इसी रिस्क पर मकूफ है, उनके मवेशियों की हयात भी इसी रिस्क पर मकूफ है, इनकी नस्ल की बका भी इसी पर मकूफ है। सिर्फ पैदा नहीं कर दिया बल्कि मुर्दा जमीन से हयात देकर ऐसी गिजा फराम किया कि दोनों इस्तेमाल करते हैं। अफरा यूसरून, क्या देखते नहीं, सोचते नहीं, इतना नजर नहीं आता कि इस मुर्दा जमीन को जिंदा करना, इस पर पानी को लाके पहुंचाना, हवाओं के दोष पे पानी को खींच के लाके फराम करना, और इनके लिए खाने पीने के तमाम चीजों को जमीन से निकालना। आज तक कोई इंसान जमीन से कोई एक पौधा निकालने पर कादर नहीं है।
اور سارے انسانوں کی اور چپاؤں کی غذا اسی زمین سے نکلتی ہے, اور نکالنے والا صرف ایک ذات ہے, کائنات والے نکالنے پر قادر نہیں. کوئی کسان زمین میں کچھ ڈال تو سکتا ہے لیکن اس میں قوت نمو اس دانے میں نہیں پیدا کر سکتا. کوئی اس کا دعویٰ نہیں کیا آج تک. گیہوں کا کونپل ہم نکلتے ہیں, چنے سے کونپل ہم نکلتے ہیں, کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا آج تک. تو سارے انسانوں کی غذا جس مٹی سے نکلتی ہے وہ نکالنے والا تمہارے واسطے انعام اس لیے کرتا ہے. افلا یبصرون, کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ میری روٹی کہاں سے آئی, میرا چاول کہاں سے آیا, میرا میٹھا کہاں سے آیا, کون دے رہا ہے؟ ان ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ کب ہوگا؟ فیصلہ تو ہو چکا ہے, تم جس کا کھاتے ہو اس کا نہیں کھا رہے ہو, فیصلہ تو ہو رہا ہے, تم تو غداری کی طرف جا رہے ہو. ويقولون اور کہتے ہیں متى هذا الفتح, کب ہے فیصلے کا دن, متى هذا الفتح, یہ فتح فیصلہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, انبیاء سے سچائی پر ثبوت طلب کرتے ہیں, اگر تمہارا رب اور تمہاری یہ وارننگ سچی ہے تو یہ فیصلہ ہوگا کب آخر؟ قل, آپ ان سے کہہ دیجیے یوم الفتح, فتح کا دن جب آئے گا تو سنو تمہارا حال کیا ہوگا. قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم, جس دن فتح کا وقت آ جائے گا اس دن کافروں کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا. تم اس دن مانیں گے ضرور, یقین آئے گا, آنکھوں سے دیکھ لیں گے, مگر اس دن کا دیکھ لینا تمہارے کام میں نہیں آئے گا. لا ينفع, نفع نہیں دے گا. الذين كفروا, جنہوں نے کفر کیا, ایمانهم, ان کا ایمان, یعنی جب دیکھ لیں گے اس وقت مان لیں گے, اس وقت کا ماننا جو ایمان ہے وہ ان کے واسطے کام میں نہیں آئے گا, کیونکہ ایمان بالغیب مطلوب ہے اور تمہارا ایمان مشہود وہاں حاضر ہوگا, وہ ہمیں موجود اب چاہیے. ولا هم ينظرون, اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. چلو ٹھیک ہے, اب مہلت دے دو, دنیا میں بھیج دو, مان کے آ جائیں گے, مہلت کا کوئی امکان نہیں. چنانچہ ہر کافر تمنا کرے گا دنیا میں بھیج دو, ابھی گزرا. اور سورہ مومنون پارہ 18 میں آیت نمبر 100 میں بھی ان کی تمنا ہی ہوگی, کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دو, ایک بار دنیا میں بھیج دو, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها. ان کی خواہش کا ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں, دنیا سے ایک بار جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد اب دوبارہ ماں کے پیٹ میں جانا ممکن نہیں. جس طرح سے دودھ تھن سے نکل گیا واپس نہیں جائے گا, اور جس طریقے سے اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جائے گا, حتی یرجع الجمل فی سم الخیاط, سم الخیاط, جب تک اونٹ داخل نہ ہو جائے سوئی کے ناکے میں تب تک تم کو دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا, نہ وہ ممکن ہے نہ یہ ممکن ہے. تو یہ شرط رکھا ہے, ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. اس مہلت نہ دیے جانے پر دنیا میں اگر ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے اور وہ مرنے کے بعد کے دن کا انتظار کرتے ہیں تو اے نبی آپ ان سے اعراض کر جائیے, فاعرض عنہم, آپ ان سے اعراض کر جائیے, اب ان پر حجت پوری ہو گئی. وانتظر, اور انتظار کرو, انہم منتظرون, بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں, وہ بھی جب قیامت کا انتظار کرنے والے ہیں تو آپ بھی انتظار کیجیے اور آپ ان سے منہ پھیر لیجیے. یعنی ایک حد تک ان کو حجت کا موقع دیا جائے گا, اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کی سزا جب بھی وقت آئے گا ان کو ملے گی. آپ ان سے اعراض کر جائیے اور آپ ان سے منہ پھیر لیجیے. یہ سورہ سجدہ کا آخری دو حصہ آپ کے سامنے آ گیا. اس میں جو خلاصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وقت پر آدمی تو افسوس کرے گا ہی, وقت سے پہلے آنکھیں کھلنا چاہیے. دنیا کا خسارہ جب ہوتا ہے تو آدمی کو موقع ملتا ہے کہ دوسرا کام کر لے, دوسرا طریقہ اپنا لے, یہ نہیں تو وہاں سے نفع اٹھا لے, لیکن ایک مرتبہ دنیا سے منتقل ہونے کے بعد یہ موقع ختم ہو جائے گا. اس لیے رب کریم نے مختلف زاویوں سے مثالیں دی ہیں تاکہ بندے کو ایمان بالغیب سمجھانے کے لیے اس مشاہدے سے فائدہ ہو. چنانچہ زمین کا بار بار ذکر کرنا کہ مردہ زمین زندہ, یہ بار بار تذکرہ کرنا اسی لیے, انسان کے وجود اور اس کی پیدائش کا ذکر کرنا اسی لیے ہے تاکہ آدمی اپنے ماضی پر غور کرے اور اپنے حال پر غور کرے اور مستقبل کے ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچائے. تذکرہ اسی واسطے کیا گیا, جو بندہ عقل مند ہوتا ہے وہ رجوع ہوتا ہے, لیکن یہ رجوع بھی اللہ فرماتے ہیں جو رجوع کرتا ہے ہم اسی کو ہدایت دیتے ہیں. وہ یہدی الیہ من اناب, اللہ ہدایت دیتے کس کو؟ من اناب, جو اس طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں. اس لیے آپ حضرات دعوت اللہ کے لیے اس کا سن لو اسی آیت کی وجہ سے. یہدی الیہ من اناب کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اس بندے کو ہدایت دیتے ہیں جو رجوع ہوتا ہے اللہ سے. تو آپ کے دوست احباب میں جو بھی کافر مشرق یہودی نصارہ ملاقات ہوتی ہو تو ان کو آپ اس طرح دعوت دے کے چھوڑ دو کہ تم اپنے پیدا کرنے والے سے رجوع ہو جاؤ, اور یہ کہو کہ اے مجھے پیدا کرنے والے برے راستے سے مجھے بچا, جس راستے سے جہنم ہو اس راستے سے بچا, اور جس راستے سے تیرا انعام اکرام اور جنت ملے اس راستے پر چلا. ایسا کہنے میں سے کوئی تعامل نہیں ہوگا. جب اس کا رجوع ثابت ہو جائے گا تو اللہ ہدایت دے دیں گے. تو کم سے کم درجے میں یہ طریقہ اپنائیں کہ ہر بندے میں رجوع پیدا کر دیں, اور جب بندہ اس طرح سے متوجہ ہوگا تو ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے. یہ دعوت کا سب سے پہلا اسٹپ ہے, سب سے پہلا آسان طریقہ ہے. ہر بندہ اس طرح دعوت دینے پر قادر ہے, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تصادم کی ہو. اس لیے بندہ دعوت دے کر چھوڑ دے کہ اپنے رب سے, یہی سورہ فاتحہ کا پیغام ہے. ہر بندے سے اللہ ہی کہلواتے ہیں اہدنا صراط المستقیم, اسی کی عطا ہوتی. تو سورہ سجدہ کی عنایتوں پر بات مکمل ہو گئی, دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین.